साहब ऊपर आ गए ताजमहल के। ये ताजमहल ऐसे दिख भी नहीं रहा होगा। इसके ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाने की टिकट मैंने ले ली थी। जो ऊपर मेरे ताजमहल का पूरा बेस है और इसके अंदर देखता दिखाता हूँ मैं क्या देखो। सो हेलो सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग भाई। स्वागत है एक और नए ब्लॉग के अंदर। लेकिन रात को मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह की और उसको अपलोड किया, क्योंकि मेरे पे 2GB नेट मिलता है, मेरे को उसी 2GB मेरे को भी करनी होती है। सो रात को 12 बजे बैठा था मैं रात को, और 20-25 मिनट में मैंने अपलोड कर दी। और एडिट वगैरह तो मैंने पहले कर दी थी, कम से कम 2-3 घंटे में एडिट कर दी थी 2-3 वीडियो। सो वो आ जाएंगी 1-2 दिन में। सो भाई आज मेरे टाइम पे धूप निकली आई, देखो मस्त हो रहा मौसम। देखो सूरज निकली गई भाई मेरे टाइम पे, धूप नहीं तो वैसे निकलती नहीं है। कल 2-3-4 दिन हो गए थे लेकिन धूप नहीं थी, बट अभी है। मास्क लगा लेता हूँ मैं। ये देखो ये रोड है मेरे हॉस्टल से 1 किलोमीटर दी लगभग यहाँ से। सो भाई अभी टिकट देखता हूँ मैं, टिकट कितने की। टिकट मेरे हिसाब से 50 रुपीज़ एंट्री के लिए, और अगर उसके ऊपर जाना है म्यूजियम के अंदर जाना है मतलब कब्रों के पास, सो 200 रुपये उसके, मतलब टोटल में आगे 250। अभी एक बार कन्फर्म करता हूँ अंदर जाके। सो यहाँ से तो भाई थोड़ा ही रह गया, देखो जस्ट 200-300 मीटर की दूरी पर ही है। और मैं पहुँचता हूँ, देखता हूँ भाई 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से फर्स्ट देखने जा रहा हूँ। तो भाई मैं इधर से आया, ये देखो ये ताजमहल एंट्री यहाँ से, और यहाँ से स्कैन कर लेना जो भी आते हो। तो यहाँ से ये देखो 245 की टिकट पड़ी दोनों को मिला के, मतलब नीचे और नीचे घूमने की और ऊपर भी, और इधर एंट्री करनी है। इसके अंदर चलते हैं, मेरे को वो दिखाना पड़ेगा इसलिए मोबाइल बंद करना पड़ता है, ठीक है। इधर ये अलाउड नहीं थी तो उधर से क्लॉक रूम के लिए भेज दिया था मेरे को। सर टोकन, सो भाई ऐसा ये टोकन मिला है, अभी अंदर जाते हैं। सो भाई इधर से ये कंप्लीट हो गया सिक्योरिटी, अभी इस साइड से एंट्री है। देखो इधर गार्डन सा है, और भाई ताजमहल की गुम्बद सी तो दिख रही है मेरे को, देखो अभी देखते हैं अंदर जाके। आज मैं कम ही दिखूंगा, आज आपको 1874 में मतलब 1874 में ये कैसा दिखता था देखो ये, और ये फिर 1882 के अंदर ऐसा, फिर 1884 के अंदर ऐसा, दो दो साल के गैप में है, नहीं 10 साल बाद 1890 के हिसाब से, 1899 से 100, फिर भाई 1910 से, और फिर ये है 1959। पब्लिक तो भाई बात कर रही है, ये देखो भाई इधर कितनी पब्लिक थी उस टाइम में 1959, आज़ादी के 10-15 साल बाद ही 85-87 में ऐसा दिखने लग गया। सो भाई इसके अंदर एंट्री तो ले ली है, अभी देखना मेरे सामने ही बहुत तगड़ा सा एक रेड कलर का गेट है जहाँ से एंटर करते हैं, ये वाला देखो। और इस साइड से आए भाई, और मेरी जो सेल्फी स्टिक थी वो तो इन्होंने रखवा ली, लेकिन कोई नहीं इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ से उस साइड से आपको वो भी दिख रहा था किला, वो ताजमहल। अभी मेरे टाइम पे तो पब्लिक इतनी नहीं है वैसे, तो ठीक है वैसे तो। ये देखो यहाँ से ताजमहल दिख रहा होगा,
रहा है इसका मेन एंट्रेंस गेट जो कि रेड कलर के अंदर ही है। अभी इसके अंदर चलते हैं, इधर से ही देखते हैं क्या हिसाब किताब है। भाई साहब बहुत तगड़ा है यार, हद से बड़ा है ये तो। ये इसका इधर मैपिंग दी हुई है, तो इससे क्या घूमोगे, डायरेक्ट अंदर चलते हैं। ओ ताजमहल दिख रहा है, ये देखो भाई साहब, ये झुमका लगा है भाई, झुमका बरेली का। अबे हो गई एंट्री भाई, हो गई। हो भाई साहब, ओ खतरनाक ताजमहल, फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई इधर, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो इसके ऊपर डिजाइनिंग वगैरह, तो भाई इसके अंदर एंट्री तो कर ली है। अभी मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ, ये पार्क वाली साइड से, और ताजमहल तो भाई देखो इस साइड है, तो मैं इधर से इसलिए आ रहा हूँ, थोड़ी साइलेंट सा इलाका में थोड़ी देखना। जादू देखो यार, 1 2 3, ओ भाई साहब, अपनी आंखों के सामने मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी खूबसूरत सी चीज़ देखी है। 7 वंडर्स में से पहला तो चलो अपन ने देख ही लिया, ताजमहल। आय हाय ताजमहल भाई, इसका जो गुम्बद है ना भाई ऊपर वाला, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब ताजमहल के हिसाब से बहुत बड़ा दिख रहा है, और इधर से टेढ़ा सा भी दिख रहा है, पता नहीं क्यों दिख रहा है। ऊपर से पीला सा पड़ गया ये थोड़ा सा, ये देख यहाँ से पीला पीला सा दिखता है ये हल्का सा। और ये इसके बुर्ज हैं, 4 अलग अलग हैं, लेकिन थोड़े थोड़े ना टिल्टेड हैं, मतलब थोड़े थोड़े झुके हुए हैं। और यहाँ पर लगभग 10 मिलियन लोग आते हैं यार, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग एक साल में आते हैं, और ये 2014 का डाटा, और अभी का तो कम हो गया होगा क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में। काफ़ी खूबसूरत है। और देखो कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि देखो इस साइड ये जो आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो मैं दिखाऊँ तो रुको, तो ये देखो ये रेड कलर में एक इधर ये है, मस्जिद टाइप में है कुछ, ये रेड है, और इस साइड भी देखो ये रेड है, बट ये ब्लू है, और ब्लू कह रहा हूँ, वाइट है। और ये देखो इस साइड भी रेड ही है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा मेरे को डाउट है, मेरे को डाउट क्या यार, मैंने पढ़ा, मेरे को हो गया डाउट। इसके जो 2-3 चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। इसको कम से कम 20-29 साल लग गए थे इसको बनाने में, और बना भी भाई खूबसूरत हुआ है। और ये जो शाहजहाँ था उसने बनवाया था अपनी बेगम के लिए, मुमताज़ महल, तो मुमताज़ महल भी बोल देते हैं इसको। ये देखो फाउंटेन्स वगैरह भी लगे हुए हैं साइड, और अभी चलते हैं भाई इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर जाने की भी टिकट ले ही ली है। इसके बुर्ज सो भाई यहाँ भी पहुँच गए हैं, और ये कि साइड मस्जिद है, और अभी इधर टिकट दिखाते हैं, और फिर ऊपर जाना है, अभी ऊपर भी जाते हैं। जाने से पहले ये ले लेना 10 रुपये के, बाहर से ही ले लेना, और ये मैंने ले लिया, पेन भी लिए हैं। अभी देखो उसके अंदर जाना है ऊपर, ये वाले के अंदर, साहब ऊपर आ गए ताजमहल के। ये ताजमहल ऐसे दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं फ़ोटो वीडियो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको उतार लूँ क्या, इसको मैं ऐसे डाल लेता हूँ अंदर, ये देखो। और इस साइड देखो, अभी देखो पीछे वाली रिवर दिख रही होगी, ये यमुना रिवर है, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है एरिया। सो भाई अगर आपको इसका इतिहास के बारे में अगर देखो, मैं थोड़ा सा आप इस यमुना रिवर के देखो, वो सेल्फी, वहाँ पर सेल्फी पॉइंट है ये, यहाँ से आप अगर इसको देखोगे ना, तो आपको ऐसे स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रही होगी, जो कि इसके नीचे जो गेट है उसकी है, जो कि एक एक्सप्लोरर था अमेरिका का था, उसने जब वो घूम रहा था तो उसने नीचे से फ़ोटो खींची थी। और भाई इसके नीचे ना एक वो थी, जैसा आपको मैं दिखा रहा था ना फ़ोटो के अंदर,
तो उसके नीचे गेट था जिसके ऊपर लकड़ी लगी हुई थी, और उसने वहाँ से देखो इधर की साइड आके फोटो ली थी। इसके नीचे भी एक जगह है, वहाँ पर वो गेट को जैसे ही इंडिया को पता लगा, इंडिया की गवर्नमेंट को, तो वो बंद करवा दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन उससे पहले उसने ना उसमें से एक वो ले लिया था जो लकड़ी का वो रहता है ना, सो वो लकड़ी का एक छोटा सा पीस लेके उसकी कार्बन डेटिंग करवाई। कार्बन डेटिंग में पता चला कि ताजमहल से लगभग 200 साल पुराना वो गेट का वो था। सो भाई काफ़ी मतलब एक रहस्यमय इलाका है उसके नीचे। भाई कहते हैं कि इसके नीचे जो तहखाना है वो भी हो सकता है। और ये देखो अगर ऐसा इधर से देखोगे तो ये सिर्फ ये ही वाइट है, देखो ये भी रेड है और ये भी रेड है, और इसके नीचे जो इसका बेस है वो भी रेड है। सो भाई इसका जो आर्किटेक्चर है वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने करवाया था। मतलब इसका जो आर्किटेक्चर आप देखोगे, अभी देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये रहा ताजमहल। ऐसे करना पड़ता है यार, ये तो दिखता ही नहीं है। और ये पीछे के साइड मस्जिद है, और उस साइड भी है, मेरे पीछे साइड भी है। और ये 17 एकड़ के अंदर बना हुआ है, 17 हेक्टेयर के अंदर, और एकड़ तो बहुत है। और इसकी जो हाइट है, जो इसकी आप हाइट देखोगे वो 270 मीटर है, 270 फीट है, काफ़ी ज़्यादा होती है। जो कि एवरी ईयर 2014 के डाटा के हिसाब से 10 मिलियन लोग आते हैं, यानी कि 1 करोड़ इसको देखने के लिए। यार फ़ोटो लेने वाला मेरा कोई है ही नहीं है, मेरे को खुद ही फ़ोटोज़ लेनी पड़ती है। और आज मेरा दिन भी बढ़िया है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब इतने ही कम लोग हैं चारों तरफ। ये है भाई मस्जिद। सो भाई इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात करें, सो इसको 1632 से 1653 के बीच में बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा में। कहते हैं कि भाई हाथ कटवा दिए थे ऐसा वैसा, हाथ का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन भाई पानी बहुत खूबसूरत है। देखो हाथ कटवाए हो या नहीं कटवाए हो वो तो मुझको भी नहीं पता। क्योंकि यहाँ से ये एंट्री होती है, और यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, फोटोग्राफी नो प्रोहिबिटेड है। इधर भी देखो ये लिखा है, और भाई ये है इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। और लेकिन यार, और ये देखो इसका फ्रंट से ऐसा दिखता होगा, गुम्बद तो दिख भी नहीं रहा होगा, गुम्बद तो वहाँ से जाके देखना पड़ेगा उधर कहीं से। और यहाँ फोटोग्राफी पता नहीं क्यों प्रोहिबिटेड है, बट है यार, अभी देखते हैं यहाँ जाके। इसकी बुरी हालत हो रही है, यहाँ से ही जड़ गया है, ये सब टूटा वगैरह रखा है देखो। और जब पत्थर है इसके अंदर अलग से कार्व करके लगाए हुए हैं, ये देखो ये भी भाई, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये टूटा हुआ है पूरा, ये वाला एरिया इस साइड, ये वाला पूरा ख़राब है। और एक कबूतर भी बैठा है, लेकिन ये तो टूट गया, यहाँ से ऊपर से पीला पड़ा, देखो पीला पड़ा रखा है पूरा, बुरी हालत हो गई है ताजमहल की भाई। इसके अंदर ना वो नीचे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जाने के लिए। ऊपर से ये वाली साइड पे आ गए, यहाँ पर ये मस्जिद वगैरह, ये देखो इधर रेनोवेशन का काम चल रहा है। और जो मैं कह रहा था ना कि वो कहते हैं कि उसके जो जिसके इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसके नीचे कब्रें हैं, मतलब जो उसके नीचे है ना कहते हैं कब्रें हैं, तो उसको वेंटिलेशन नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने वो बंद कर रखा है। लेकिन भाई वो सेम ही चीज़ है ये, देखो इसमें तो भाई ऐसे होल दिए हैं जो कि बहुत गहरे हैं, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है अंदर तक। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और ये देखना, एक देखो ये कुछ बना हुआ है इस साइड, ये पता नहीं क्या है, ये ताजमहल की जैसे काली काली सी कुछ है, ये डिज़ाइन सा इस साइड देखो, ये भी पता नहीं क्या है। और ये काफ़ी ऐसा देखो, काफ़ी भव्य है भाई साहब ये।
सो भाई देखो ये है, इसके अंदर देखना भी, इसके अंदर जाने के लिए तो ये लगा कि जा भी नहीं सकते और देखना भी मना है। इसके अंदर देखो वो लगा था, लेकिन अभी मेरे हिसाब से हटा दिया है। सो अभी तो उसमें पैसे ऐसे फेंके हुए हैं और काफ़ी सुंदर है ये भी। इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन देखो इधर से जा रहा है जो रास्ता नीचे। सो उसके नीचे भाई गुप्त जो जगह हो सकती है, ऐसा मैं कह नहीं रहा, ऐसा मेरे को लगता है, ये ताजमहल के बिल्कुल ही इस साइड में देखो, ऐसा लगता है भाई मेरे को, ऐसे सीढ़ियाँ जा रही हैं इसके नीचे से जो कि अंडरग्राउंड हुई। इसके सामने और वो गेट दिखाया मैंने अभी तुमको, जैसा ये देखो ये गेट है और ये ऊपर मेरे ताजमहल का पूरा वो बेस है। और इसके अंदर देखता दिखाता हूँ मैं क्या, देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, सामान वगैरह रखा हुआ है, स्टोर रूम जैसा सब सारी तरफ ऐसे ही। देखो भीड़ देखो भाई, और देखो इस साइड भी देखोगे अगर दो, कुछ नहीं है भाई अंदर, वो ये कचड़ा ही है इनके अंदर जो ऐसे जो पुराना टाइम का जो ख़राब हो जाता है रेलिंग्स वगैरह। और ये भाई गेट है, बैठने की एक बेंच दी है, कुछ नहीं है इसके एक्स्ट्रा अंदर। देखो कितनी आ रही है, और यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है इसका मेंटेनेंस का, और अभी इस साइड देखते हैं, देखो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, और वो रहा ताजमहल अपना सामने। और ये देखो ऐसे साइड में ऐसा रखा हुआ है सामान वगैरह। और भीड़ देखो भाई, भीड़ बहुत तगड़ी आ रही है, भीड़ ने तो आज मजे बांध दिए भाई, ग्रुप आया इनका पूरा कहीं ना कहीं से तो। और ये इधर पार्क वगैरह बने हुए हैं, और ये इधर काम वाम चल रहा है तो उसका कुछ मटेरियल रखा हुआ है। सो भाई सेम टू सेम वैसे ही बना रहे हैं, जैसे अभी पता नहीं ये भी हाथ नहीं कटवा लें अपने, मजाक कर रहा हूँ भाई। सो ये पानी यानी पीने का है मेरे को लगता है, बट ये ऐसे ही है शोपीस के लिए, चलता तो होगा नहीं ये ना भाई, बंद है ऐसे ही। सो भाई होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो यानी कि जो भी मैंने बनाया ब्लॉग टाइप में पसंद आया होगा। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई आगरा फोर्ट के लिए, और देखो यहाँ पर भी वाटर है पीने के लिए, और ये ताजमहल। और भाई मेरी फ़ोटो लेने वाला तो कोई है ही नहीं है, तो भाई मैंने खुद ही फ़ोटोज़ वगैरह जैसी भी सेल्फी वेल्फी ले ली, और पता नहीं भाई कैसी आई होगी। अभी ये घूमते जे जो बाग नहीं है, ये सारे मैं ट्रैवल ऐसे ही करता करता जा रहा हूँ। और ये पेड़ देखो भाई कितना तगड़ा, कितना पुराना होगा ये वाला। सो आपने होप करता हूँ आपने जितनी भी आज वीडियो देखी होगी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली कोई खूबसूरत सी वीडियो, मतलब अच्छी सी वीडियो के अंदर जो कि होने वाली है आप लोगों के लिए आगरा फोर्ट। तो मिलेंगे भाई, ताजमहल के दो चार पिलर से दिख रहे हैं मेरे को देखो, और ये ऐसा है। तो भाई बाय बाय, और तब से मैंने शक्ल इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि यार मेरी शक्ल आज क्या देखोगे, आज ताजमहल देखो ना वो।